नशे की गर्त में डूबते युवाओं को इसकी वजह से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने और उन्हें नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान जारी है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें टोहाना शहर की हैं, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के उपलक्ष में स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया और शहर में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसके माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया और इसका शुभारंभ डीएसपी बीरम सिंह ने किया। पुलिस के साथ साथ इस यात्रा में शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। देखिए, आज जैसा कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस है, उसी उपलक्ष्य में हमारे डीजीपी साहब श्री मनोज यादव जी, हमारे आईजी साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय फतेह बैद के निर्देशानुसार जो है वो टोहाना में हमारी जो जनता है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जागरूकता लाने के लिए नशे के विरुद्ध जो है वो एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों, नौजवान बच्चों ने, लड़के लड़कियां सभी ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। और हमारा जो उद्देश्य था, हम समझते हैं कि उसमें हम कामयाब रहे, क्योंकि नौजवान पीढ़ी को यही संदेश देना था कि नशा जो है वो अभिशाप है और नशा जो है वो समाज के लिए भी खतरनाक होता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है व्यक्ति के लिए वो अच्छा नहीं है। इसी कड़ी में आज जो ये साइकिल की जागरूकता रैली निकाली गई, इसमें सभी ने बड़े जोश के साथ, पुलिस विभाग के कर्मचारी और आम जन जो है उन्होंने पूरा भाग लिया। बताया जा रहा है कि ये साइकिल यात्रा कैंची चौक से शुरू होकर शहर के चंडीगढ़ रोड, हर्बल पार्क से होते हुए रेलवे रोड पर जाकर संपूर्ण हुई। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के उपलक्ष्य में ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इसके माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि नशा करना व बेचना सबसे बड़ा अपराध है। नशे से मनुष्य को आर्थिक व शारीरिक नुकसान होता है, जिससे उसके परिवार को भी नुकसान होता है। सभी युवाओं को अपने जीवन में नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेना चाहिए और अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहिए। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।